हेलो दोस्तों, फिर से लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, वो भी 15000 के अंदर में। अगर आपको 15000 के अंदर में अच्छी गेमिंग फ़ोन चाहिए जहाँ पर पबजी से गेम को काफ़ी हाई ग्राफिक में खेल सकते हैं, उनके अलावा रैम, स्टोरेज और बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी चाहिए, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बताऊँगा जिसका बजट 15000 के अंदर में है। उनके अलावा यहाँ पर आपको सारा चीज़ बेस्ट ही देखने के लिए मिलेगा, रियर कैमरा, सेल्फी कैमरा एंड डिस्प्ले भी काफ़ी बेस्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ज़्यादा करके जो फोकस किया गया है इसकी परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी और इसकी रैम स्टोरेज, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्मार्टफोन है वह है सौमी की तरफ से पोको F1। हालांकि ये फ़ोन थोड़ा पुराना जरूर हो चुका है, लेकिन यहाँ बहुत ही पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। कॉलकम का स्नैपड्रैगन E845 का पावरफुल चिपसेट, जो कि 2.8 GHz क्लॉक है, 6 GB का रैम है, 128 GB का स्टोरेज है। उनके अलावा यहाँ पर आपको UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी दे रखा है, जहाँ पर आपको LPDDR4X का टाइप्स का भी सपोर्ट दे रखा है। तो बहुत ही अच्छी पावरफुल चिपसेट है। उनके अलावा यहाँ पर आपको रैम स्टोरेज भी काफ़ी बेस्ट है, 4 mAh की लंबी बैटरी है और यहाँ पर आपको 6.18 इंच का फुल HD एक IPS पैनल डिस्प्ले दे रखा है। तो गेमिंग का जो स्मार्ट होगा वो काफ़ी बेस्ट होगा। कैमरा की बात करो तो यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा है, 12 MP प्लस 5 MP और सेल्फी कैमरा है 20 MP। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, ज़्यादा करके जो फोकस किया गया ये इसकी परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल चिपसेट दे रखा है। गेमिंग का जो स्मार्ट होगा वो काफ़ी बेस्ट होगा, किसी भी गेम को काफ़ी अच्छी ग्राफिक में खेल सकते हैं, पबजी से गेम को, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम से काफ़ी हाई ग्राफिक में खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से गेमिंग के मामले में आपको किसी भी तरह की नॉइज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। रिपोर्ट के मानो तो 730G का जो लेटेस्ट चिपसेट है उससे बहुत ही अच्छी चिपसेट है 845। तो मेरे ख्याल से गेमिंग के मामले में आपको किसी भी तरह के नॉइज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्राइस है 6+128 GB स्टोरेज के साथ 14,999। तो मेरे ख्याल से 15 की रेंज में ये फोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट फोन होगा। गेमिंग का जो स्मार्ट होगा वो काफ़ी बेस्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ये फोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट फोन होगा। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिल जाएगा, अगर आपको परचेज करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। अब जो दो पे आता है वह है वीवो की तरफ से वीवो G1 Pro। ये फोन काफ़ी बेस्ट है, 4+64 GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 12,999, यानी कि 13,000 के रेंज में ये फोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट फोन होगा। गेमिंग का जो स्मार्ट होगा वो काफ़ी बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉलकम का स्नैपड्रैगन 712 का पावरफुल चिपसेट दे रखा है, जो कि 2.3 GHz क्लॉक है, 4 GB का रैम है, 64 GB का स्टोरेज है, जहाँ पर आपको UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट दे रखा है। उनके अलावा यहाँ पर आपको LPDDR4X का भी सपोर्ट दे रखा है, जहाँ पर आपको 5 mAh की लंबी बैटरी, साथ में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी रखा है। डिस्प्ले है 6.53 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है। तो गाइस, गेमिंग का जो स्मार्ट होगा वो काफ़ी बेस्ट होगा। 13G के रेंज में ये फोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट फोन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, रैम स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी है, बैटरी भी काफ़ी लंबी है, तो किसी भी गेम को काफ़ी अच्छी ग्राफिक में खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से गेमिंग के मामले में आपको किसी भी तरह के नॉइज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। उनके अलावा कैमरा भी काफ़ी बेस्ट है, यहाँ पर आपको E1 Triple कैमरा का सेटअप है, जिसकी प्राइमरी कैमरा 16 MP, सेकेंडरी 2 MP और थर्ड 8 MP और सेल्फी कैमरा है 32 MP। तो यहाँ पर आपको गेमिंग का जो स्मार्ट होगा वो काफ़ी बेस्ट होगा, किसी भी गेम को काफ़ी हाई ग्राफिक में खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 13,000 की रेंज में ये फोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट फोन होगा। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिल जाएगा, अगर आपको परचेज करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। अब जो 3 पे आता है वह है सौमी की तरफ से Redmi Note 9 Pro। ये फोन 2120 का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, बहुत ही पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। कॉलकम का लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन 720G का पावरफुल चिपसेट, जो कि 2.3 GHz क्लॉक है, 4 GB का रैम है, 64 GB का स्टोरेज है, अलग से 512 GB एडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, बैटरी है 5020 mAh की बैटरी है, साथ में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है। तो मेरे ख्याल से गेमिंग के मामले में आपको किसी भी तरह के नॉइज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, पबजी से गेम को काफ़ी हाई ग्राफिक में खेल सकते हैं। डिस्प्ले है 6.67 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है, साथ में आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा है और यहाँ पर आपको E1 Quad कैमरा का सेटअप है, 48 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 MP का अल्ट्रा मैक्रो लेंस एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर और सेल्फी कैमरा है 16 MP। यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल चिपसेट दे रखा है और बहुत ही लेटेस्ट चिपसेट है, किसी भी गेम को काफ़ी अच्छी ग्राफिक में खेल सकते हैं। रैम स्टोरेज और बैटरी भी काफ़ी बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से ये फोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट फोन होगा। 4+64 GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 12,999। 13,000 की रेंज में ये फोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट फोन होगा, किसी भी गेम को काफ़ी अच्छी ग्राफिक में खेल सकते हैं। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिल जाएगा, अगर आपको परचेज करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा।
अब जो चार पे आता है वह है रियलमी की तरफ से रियलमी 6। ये फोन 2120 का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, 4+64GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 12,999। 13,000 की रेंज में काफी पावरफुल चिप्सर प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आपको मीडिया टिक G90 का पावरफुल चिप्सर जो कि 2.05 GHz पे क्लॉक है। ये चिप्सर काफी पावरफुल चिप्सर है और काफी लेटेस्ट चिप्सर है। डिस्प्ले है 6.5 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है, साथ में आपको 90Hz की प्रो डिस्प्ले और साथ में आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा है। तो यहाँ पर आपको 90Hz की प्रो डिस्प्ले दे रखा है और बहुत ही पावरफुल चिप्सर है। बैटरी है 43mAh की, साथ में आपको 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है। 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है। तो मेरे ख्याल से गेमिंग के मामले में आपको किसी भी तरह की नोटिस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 90Hz की प्रो डिस्प्ले, उनके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल चिप्सर मीडियाटेक G90 का। तो गेमिंग के मामले में आपको किसी भी तरह की नोटिस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बैटरी बैकअप भी काफी बेस्ट है, किसी भी गेम को काफी अच्छी ग्राफिक में खेल सकते हैं, किसी भी तरह की आपको नोटिस देखने के लिए नहीं मिलेगा। उनके अलावा यहाँ पर आपको कैमरा भी काफी बेस्ट है, रियर साइड में 64MP का इवन क्वाड कैमरा, प्राइमरी सेंसर है 64MP, 8MP का अल्ट्रा लेंस, 2MP का अल्ट्रा मैक्रो लेंस एंड 2MP का डेप्थ सेंसर, और सेल्फी कैमरा है 16MP। 4+64GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 12,999। तो 13,000 की रेंज में ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट फोन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल चिप्सर है। तो मेरे ख्याल से ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट फोन होगा, किसी भी गेम को काफी अच्छी ग्राफिक में खेल सकते हैं। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगा, अगर आपको परचेज करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। अब जो पांच पे आता है वह है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M31। ये फोन 2120 का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, बहुत ही अच्छी फोन है। 6+64GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 14,999। 15,000 के प्राइस में काफी पावरफुल चिप्सर प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आपको एक्सोनेस का 9611 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखा है, जो कि 10 नैनोमीटर पर बेस है। एंड यहाँ पर आपको 6GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 512GB एडी कार्ड यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले है 6.4 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, साथ में आपको रियर मॉनिटर फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। बैटरी है 6000mAh की लंबी बैटरी, साथ में आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रखा है। उनके अलावा यहाँ पर आपको USB पोर्ट का भी सपोर्ट दे रखा है। तो गेमिंग का जो स्मूथ होगा वो काफी बेस्ट होगा, किसी भी गेम को काफी अच्छी ग्राफिक में खेल सकते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत ही लंबी बैटरी बैकअप दे रखा है, रैम स्टोरेज भी काफी बेस्ट है। तो 15,000 के अंदर में ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट फोन होगा। कैमरा है इवन क्वाड कैमरा का सेटअप है, 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा लेंस, 5MP का अल्ट्रा मैक्रोलेंस एंड 5MP का डेप्थ सेंसर, और सेल्फी कैमरा है 32MP। तो गाइस मेरे ख्याल से 15,000 की रेंज में ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट फोन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 6000mAh की लंबी बैटरी और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, रैम और स्टोरेज भी काफी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से गेमिंग के मामले में आपको किसी भी तरह की नोटिस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगा, अगर आपको परचेज करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। तो गाइस यही था टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंदर 15 के, लेकिन आपको कौन सा फोन सबसे बेस्ट लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमें तो Xiaomi का पोको F1 एंड Realme का 6 एंड सारा ही फोन काफी बेस्ट है, बट आपको कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा पसंद आए प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा।